पतंजलि देवी मुक्त वति टैबलेट्स। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में पतंजलि देवी मुक्त वति टैबलेट्स के बारे में कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और आप हमारे चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे पतंजलि मुक्त वति टैबलेट्स के बारे में, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये कितने ग्राम की पैकेजिंग में आती है, इसकी प्राइस क्या है और इसकी साइड इफ़ेक्ट्स, डोज क्या लेना है, सारा कुछ इस वीडियो में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर इसकी इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें गंजुआ, ब्राह्मिनी, शंख पुष्पी, गर्भच्छा, अश्वगंधा, मालकांगनी, सौंफ, पुष्कर का इस्तेमाल हुआ है। दिव्य मुक्त वति एक्स्ट्रा पावर का अगर प्राइस की बात करें तो ये 120 ग्राम की पैकेज आती है, जिसमें कि 120 टेबलेट होती है और ये 4 स्ट्रिप में होती है। इसकी प्राइस 200 है। एक्स्ट्रा पावर की अगर फ़ायदों की बात करें तो ये हाई बीपी और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में काफ़ी मददगारी औषधि मानी जाती है। यह स्ट्रेस लेवल को भी मेंटेन करने में काफ़ी हेल्पफुल मेडिसिन है। इसके अलावा ये किडनी के फंक्शन को भी स्मूथली मेंटेन करती है। और इसकी अगर और भी फ़ायदों की बात करें तो आपको अगर इंसोमिया यानी कि अनिद्रा की शिकायत है तो उसमें भी यह मददगारी साबित होती है। और किसी को अगर नर्वसनेस जैसा फीलिंग होता है तो उस कंडीशन में भी पतंजलि मुक्त वति बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है। इसके अलावा ये हेडेक और टेंशन जैसी समस्याओं के लिए भी बहुत ही कारगर औषधि मानी जाती है। अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इसे आप फिजिशियन के सलाह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डोज की बात करें तो 1 से 2 टेबलेट आप खाना खाने से पहले इसे ले सकते हैं। अगर आपको कोई दूसरा मेडिसिन या कोई दूसरी ट्रीटमेंट चल रही हो तो आप इस मेडिसिन को बिल्कुल ना लें। अगर आपको इनके इंग्रेडिएंट से एलर्जी हो तो भी आप इस मेडिसिन को बिल्कुल ना लें। अगर आपको कंट्रोल रखना हो या इसे जड़ से ख़त्म करना हो तो आप इस मेडिसिन का 1 से 2 महीने तक इस्तेमाल करके देख सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपकी बीपी के लिए कोई अन्य एलोपैथिक दवा चल रही हो तो आप उसे या तो बंद कर दें या एक बार फिजिशियन से कंसल्ट कर ले, उसके बाद ही इसे इस्तेमाल करें। बिना फिजिशियन के सलाह के आप इसे बिल्कुल ही यूज़ ना करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।